हेलो दोस्तों, मैं स्टडी विद सुजाता उपाध्याय चैनल से सुजाता। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले आई हूँ, वो पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग देखिएगा वीडियो ज़रूर, अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको और सारे वीडियो देखने हैं हिंदी व्याकरण के से और मनोविज्ञान से, पर्यावरण से, इतिहास से, तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और हिंदी व्याकरण के आपको ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, आप ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? बताना है आप लोग को शब्द किसे कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं, चारों में से एक राइट आंसर है, वो आप लोग को चूज़ करना है। तो पढ़ लेते हैं चलिए। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं, या एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, या ध्वनि की छोटी इकाई को कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें से राइट आंसर क्या है? तो इसमें से राइट आंसर है ए, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब दूसरा आपका क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस भाषा का अधिक प्रयोग होता है? आपको बताना है महाराष्ट्र में किस भाषा का अधिक प्रयोग होता है। तो ये आपके चार ऑप्शन है, ए है अंग्रेजी, बी है हिंदी, सी है मराठी, या डी मैथिली। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी को आते होंगे। तो ये आपका राइट आंसर है सी, मराठी। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि भाषा का आरंभ होता है, आपको बताना है भाषा का आरंभ कैसे होता है, ध्वनि से होता है, या अर्थ से, या शब्द से, या वाक्य से। तो बताइए दोस्तों क्या किससे होता है? चलिए मैं बता देती हूँ। तो पहला ऑप्शन सही है, ध्वनि से होता है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर चार, भाषा का निर्माण होता है, आपको बताना है भाषा का निर्माण किससे होता है, अमूर्त ध्वनियों से, कि मुख संकेतों से, कि व्यक्त ध्वनियों से, या आँखों से। तो बताइए दोस्तों। तो चलिए बता देती हूँ, इसमें भी आपका ये ऑप्शन ही सही है। तो ये आपके एक चार क्वेश्चन थे, अब पाँचवें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आपका है, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? आपको बताना है हिंदी किस बोली का मानक रूप है। ए है अवधी, बी है खड़ी बोली, सी है ब्रजभाषा, या राजस्थानी। तो चार ऑप्शन आप देख लें और बताएं कौन सा सही है। तो चलिए मैं बताती हूँ, तो ये आपका खड़ी बोली सही है। और उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर छः, उसमें देखते हैं क्या है, हिंदी वर्णमाला में आपको वर्णों की संख्या बतानी है कुल कितनी है। तो ए ऑप्शन 50, बी 52, सी 57, या डी 55। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यह हमको लगता है सभी को आते होंगे। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है। हाँ, इसमें आपका सही है 52। चलिए क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सात है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण कंठ नहीं है? आपको बताना है कि कंठ किस वर्ण का उच्चारण नहीं है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी ग, या डी ड। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, का ऑप्शन का कंठ उच्चारण नहीं है। उसके बाद आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ, तो आपको बताना है अनुतान का संबंध है। तो बताइए दोस्तों अनुतान का संबंध क्या है, उच्चारण के समय से होता है, या उच्चारण के उतार चढ़ाव से, या उच्चारण की निकली वायु से, या उच्चारण के कंपन से। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर है उच्चारण के उतार चढ़ाव से। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है, बताना है आपको। तो पहला है विद्यालय, बी ऑप्शन लंबोदर, सी स्वर्ण, या नीतिवान। बताइए दोस्तों कौन सा सही है। तो बताती हूँ मैं, ये आपका बी लंबोदर सही है। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर दस पे, तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, ये बताना है। तो पहला प्रस्ताव देखिए, दूसरा खेत, तीसरा उच्चा, और चौथा आपका दूसरा। तो बताइए चारों में से क्या सही है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, प्रस्ताव। ये आपके हो गए टोटल 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, टोटल 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आप 15 क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो इसमें से रूढ़ शब्द कौन सा है, अगर आपको देखना है रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, तो वो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, बहुत ट्रिकी वीडियो है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर समझ में आएगा, तो जाके आप लोग वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है लंबोदर, बी ऑप्शन है जल, सी है जलाशय, या डी दिनकर। बताइए दोस्तों कौन सा सही है। तो इसमें राइट आंसर है आपका बी जल।
आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो आपको बताना है धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है। तो रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है, तो रचना के आधार पर तो तीन ही है, रूढ़ यौगिक योग रूढ़। तो बताइए तीनों में से कौन सा है, ये धर्मशाला किस में आएगा, तो धर्मशाला आपके यौगिक में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो आप बताइए कौन सा नहीं है, डेबरी पोखर डोर या पुष्कर। तो डेबरी पोखर डोर तो लग ही रहा है देशज है, पुष्कर आपका नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज है, इसमें बताइए देशज कौन सा है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है सुंदर, अंगूठा, फटाफट या साइकिल। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें आपका राइट आंसर है सुंदर। और आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको बताना है निम्न शब्दों में से योग रूढ़ कौन सा है। तो योग रूढ़ बताइए कौन सा है, पहला है चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार या अभिव्यक्ति। तो इसमें आपका राइट आंसर है चक्रपाणी। दोस्तों ये आपके 15 क्वेश्चन थे, टोटल 15 मैं क्वेश्चन पढ़ा दी हूँ। अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों धन्यवाद।